श्रीकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफटीसी व्लॉग 0037। तो भाई कैसे हो आप सब? हम तो रात को हम आ चुके थे यहाँ गुलबर्गा पार करके, डाबे राजस्थानी में खड़े थे। तो यहाँ से अब करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। गाड़ी हमारी कल रात की हो चुकी है लोड, देख सकते हो आप। तो ये है राजस्थानी ढाबा, यहाँ पे हम नहाए धोए फ्रेश हो गए अच्छी तरह से, अब निकलेंगे यहाँ से, करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। तो करते हैं एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर्नाटका से। एक बार आंध्र आए, उसके बाद दोबारा कर्नाटका आए, अब यहाँ से जाएंगे हम अलंदा से उमरगा, उमरगा से तुलजापुर, तुलजापुर से बीट से जालना, जालना से खामगांव। तो चलो चलो ए करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट, पहले खाना खा के। तो भाई खाना वगैरह हो गया फाइनल, निकलेंगे अब यहाँ से है 66 किलोमीटर उमरगा। तो जाएंगे यहाँ से अलंद से उमरगा। अलंद से पहले इंटर होते ही पड़ेगा कर्नाटका का बॉर्डर, उसके बाद थोड़ा बहुत चलने के बाद मतलब जैसे शोलापुर हैदराबाद बाईपास आएगा, हाईवे आएगा, वहाँ पे एक पुल है, पुल से पहले ही राइट हाथ पे सज्जे हाथ ड्राइवर हाथ अपने आरटीओ की चेक पोस्ट है, उसे एंट्री लगेगी, फिर ही इंटर हो जाना महाराष्ट्र। तो चलो जी करते हैं अपना सफर स्टार्ट, मिलते हैं थानू हूँ आगे जाए। भाई आरटीओ की चेक पोस्ट अलंद वाली कर्नाटका में जो पड़ती है, यहाँ पे एंट्री करवाएंगे, 600-700 रुपये ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे आगे महाराष्ट्र आएगी, अलंद पार करके उमरगा में आएगी जाके। तो चलो भाई मिलते हैं अभी आपको। तो भाई यहाँ पे आरटीओ की एंट्री लग चुकी है 700 रुपया, क्योंकि हमारी हाइट है इसलिए यहाँ पे 700 रुपये ले लिया है। तो आगे वाला भी इतना ही लेगा मुझे ऐसा लगता है, महाराष्ट्र वाले वो कौन से इनसे काम है, वो इनसे ज्यादा शातर है। तो वहाँ भी 700 लगेगा, तो फिर भी बताएंगे जितना लगेगा। हम लोग अमेरिका में, यहाँ पे है आरटीओ ऑफिस। तो वहां से एंट्री करवा के निकलेंगे हम लोग तुलजापुर को, यहाँ पे भी कम से कम 700 रुपया लग जाएगा। तो जाएंगे तुलजापुर, जम्मू वाले ढाबे पे जाके रुकेंगे, यहाँ से नल दुर्गा कोई ऐसी जगह का नाम है, वहाँ से आगे से जाके राइट टर्न लेके सीधा तुलजापुर जाएंगे। तुलजापुर से निकल कर जाएंगे बीर छीट होके, फिलहाल तुलजापुर ही जाएंगे। लोग हो चुके हैं इंटर महाराष्ट्र में, और अमेरिका वाला जो आरटीओ है इसने लिया हमसे 900 रुपीज़, 900 रुपये एंट्री ली जी आई टी की ना करके। जा रहे ना ही तुलजापुर वाले रोड वाले, मिल रहे तो नोट जाके जम्मू वाले ढाबे थे, तुलजापुर का बाईपास। हेलो, तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, नल दुर्ग जगह है जहाँ नाम जहाँ पे, और यहाँ करवाएंगे हम गाड़ी को ग्रीस, और साथ में करवाएंगे फिल्टर साफ। ग्रीस वगैरह भी ज़रूरी है गाड़ी को, मतलब एक चक्कर में कम से कम भी 6 बार ग्रीस होनी चाहिए, जैसे कि बंगलोर का चक्कर लगाए 6 बार ग्रीस होनी चाहिए। तो यहाँ से ग्रीस करा के फिर निकलेंगे, थोड़ी सी नींद भी आ रही है, आँख भी थोड़ी सी लाल हो चुकी है, देख लो दर्द हो रही है आँख में। आगे जम्मू वाले ढाबे पे जाके सोएंगे यार, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे करेंगे सफर अपना कंटिन्यू। तो चलो ग्रीस करवा के फिर निकलते हैं यहाँ से। देखो भाई, ये पुराना किसी राजा महाराजा का महल होगा, तो उसकी बाउंड्री देखो कितनी लंबी है। भाई हम लोग चल रहे हैं इस टाइम अपना तुलजापुर वाले रोड पे, तुलजापुर यहाँ से रह गया 20 किलोमीटर। तो ये रोड देखो भाई, ऐसा है जैसा हमारे पहले जम्मू कठुआ जम्मू वाला रोड, मतलब जम्मू लखनपुर से कठुआ को जो रोड आता था वैसा, सेम टू सेम।
सिंगल रोड ऐसा ही हुआ करता था। तो चल रहे हैं अभी, कर रहे हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। तो अभी 20 किलोमीटर और है तुलजापुर, फिर मिलते हैं अभी आपको जाके तुलजापुर में। कैसे गाड़ी वालों ने छाए में लगाई है गाड़ी आम के पेड़ के नीचे और सोए हैं मस्त अपने, हम भी देखेंगे कहीं छाए और सो जाएंगे ढाबे पे जाके, जम्मू वाला ढाबा वहाँ पे सोएंगे। फाइनली भाई हम लोग आ चुके हैं शोलापुर बीड हाईवे पे, तो तुलजापुर कर लिया हमने पार और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा बीड का, और बीड से थोड़ा सा आगे जाके जाएंगे हम जालना। अभी रुकेंगे हम जम्मू वाले ढाबे पे जैसे हमने आपको पहले भी बता दिया 2-3 बार। तो चलो रुकते हैं सीधा जाके जम्मू वाले ढाबे पे, तो करते हैं वहाँ पे नाश्ता ताश्ता। ओ गरोला देखो देखो गिरोला क्या कहना, आगे है भाई हम लोग तुलजापुर से आगे जम्मू वाले ढाबे पे, जो हमने सामने जम्मू वाला ढाबा मतलब रोड के इस पार भी जम्मू वाला ढाबा है, तो रोड के उस पार जो गाड़ियां लगी हैं उधर भी जम्मू वाला ढाबा है। तो करेंगे हम यहाँ पे अब रेस्ट, क्योंकि थोड़ी गर्मी का मौसम है, गर्मी कुछ तेज ही है, तो गाड़ी को भी रेस्ट देंगे, उसके बाद निकलेंगे थोड़ा शाम को हम यहाँ से। इतने देर में आगे ट्रैफिक वाले वगैरह बैठते हैं, वो भी उठ जाएंगे, तब तक के लिए हम बैठते हैं यहाँ गाड़ी में ही, करते हैं रेस्ट, पीते हैं लस्सी वगैरह, तो फिर देखते हैं। हमारी चल रही है कंटिन्यू तुलजापुर से चल के, अभी ये दूसरा टोल आ चुका है, और जिनके कारण हम रुके थे मतलब किनके कारण रुके थे, ट्रैफिक पुलिस के कारण हम रुके थे। अब देखते हैं इस टोल पे बैठते हैं वो, अभी देखते हैं कि है इधर के चले गए हैं, तो चलो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो चले गए, हमारी स्कीम हो गई है कामयाब, तो चलो भाई करते हैं दोबारा अपना सफर कंटिन्यू। जाहिद को आ रही है नींद, रात पड़ती है तो इसका मूड ऑफ हो जाता है, वो कुछ परेशान भी दिख रहा है। क्या भाई घर की याद आ रही है, हेलो गर्लफ्रेंड की याद आ रही है क्या, कुछ ऐसा ही लग रहा है मेरे को। घर वालों की याद इसको नहीं आती है, इसको सिर्फ गर्लफ्रेंड की याद आती है। लो भाई यहाँ से जालना रह चुका है 50 किलोमीटर, और अब यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट टर्न, हो जाएंगे सर्विस रोड पे। तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग सर्विस रोड, क्योंकि हमें जाना है जालना की तरफ। जालना अंबाड़ यहाँ से लेंगे भाई पुल के नीचे से हम राइट टर्न, और जैसे राइट टर्न लोगे फिर आगे कॉर्नर पे कनेक्टर शायद जम्मू वाला ढाबा है, यहाँ पे रुकेंगे खाना खाएंगे, उसके बाद करेंगे अपना सफर कंटिन्यू। तो बने रहे हमारे साथ। ये लिया भाई हमने इधर से राइट टर्न, ये आगे छोटी सी मार्केट, और इधर से लेंगे हम ढाबे पे, और यहाँ पे खाएंगे हम खाना। कोई जम्मू वाली गाड़ी नहीं है यहाँ पे, ये है भाई अपने जम्मू का ढाबा, जम्मू का ढाबा भाई, जम्मू का ढाबा। तो भी रात के बज चुके हैं 12, खाने लगे हम यहाँ पे खाना, जाहिद हमारा ये बैठा है, गाड़ी हमने बाहर पार्क कर दी है, तो चलो खाना खा के फिर करते हैं सफर अपन दोबारा कंटिन्यू। 197 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से शाम का। तो भाई आज के ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, मिलेंगे कल आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो दीजिए हमें
इजाजत, तो करते हैं आप सबको गुड नाइट।